हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाऊँ जयवासी। पहले तो आज बोलेंगे गणपति बप्पा मोरिया। आज चतुर्थी का दिन है, आज बप्पा आ रहे हैं। मैं इधर कहते उज्जैन महाकाल पहुँच चुकी हूँ, लेकिन आज के दिन मैं आराम करूँगी, क्योंकि आज चतुर्थी के दिन मैं घर पे भी रहती हूँ तो घर से बाहर नहीं निकलती हूँ, क्योंकि आज का आपको पता है क्या, चंद्रपा पे कलंक लगा था। कहते हैं गणपति बप्पा जिस दिन जन्मदिन रहता है, गणपति बप्पा एक बार अपने खेल में व्यस्त थे और चंद्रमा ने उनका मजाक उड़ाया था। चंद्रमा ने कहा उन पे हंसने लगे तो गणपति बप्पा बोले तुम हंस क्यों रहे हो, तो गणपति उन्होंने उनके चेहरे का मजाक उड़ाया था कि आपका काया देखो कैसा है। मैं तो उन्होंने बोला कि तुम सुंदर हो, इस बात का घमंड है? तो बोले मैं सुंदर हूँ, इस बात का घमंड नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पिता के सर पर विराजमान हूँ, इस बात का भी एक घमंड है। तो बप्पा ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तो प्रथम पूजनीय हूँ, बगैर मेरी पूजा के किसी की पूजा होती नहीं है आगे, तो कोई बात नहीं। आज से कहते हैं ना चतुर्थी के दिन, संकष्टी चतुर्थी के दिन, जिस दिन मेरा आगमन होगा, जिस दिन मेरा जन्मदिन है, उस दिन अगर किसी ने उस रात उस चतुर्थी के दिन तुम्हें देख लिया तो उस पर कलंक लगेगा। और आजीवन अगर तुम्हारे नाम से किसी का नाम पढ़ा जाएगा, मतलब चंद्रमा के नाम से जल्दी कोई अपना नाम नहीं रखता है, चंद्रमा से जुड़ता हुआ नाम अगर किसी ने रख लिया तो उसको आजीवन वो इंसान कलंकित रहेगा, वो ज़िंदगी भर उस काम में दुखी रहेगा और वो हमेशा चरित्रहीन रहेगा। ये खुद श्री गणेश जी ने इस बात का श्राप दिया, इसलिए आप देखिएगा जल्दी किसी का नाम उस चीज़ से नहीं होता है, चंद्रमा से रिलेटेड नहीं होता है नाम, क्योंकि वो चंद्रमा से रिलेटेड नाम रखने को सब डरते हैं। भगवान शिव आज के दिन अगर किसी ने गलती से चंद्रमा देख लिया तो समझो साल भर के अंदर उसके ऊपर कोई कलंक लगेगा। अगर आप अपने गलती से चंद्रमा देख लिया तो ज़बरदस्ती किसी के गाड़ी पे या किसी पे पत्थर मार के गाली सुन लीजिए, लेकिन उसका भी मीनिंग नहीं है। अगर गलती से आपने आज का चंद्रमा देख लिया तो ये बात ज़रूर है कि साल भर के अंदर आपके ऊपर कोई बड़ा कलंक या कोई कोर्ट कचहरी का केस या कुछ भी ऐसा कुछ आ सकता है जो आगे बहुत प्रॉब्लम होती है। इसके लिए आज के दिन मैं तो बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलती हूँ, शाम को 6 बजे के बाद से ही घर में चुपचाप बैठ जाना ही अच्छा है, ठीक है। और गलती से देखो जिसका नसीब ख़राब है उन्हें दिखना है तो उसे कुछ कर नहीं सकते। अगर सही में अगर आप पर कलंक लगना है तो आपको चांद दिखेगा ही दिखेगा। दूसरी बात, मैंने पहले ही कहा था कि मैंने मसानी मेलडी का 1.25 लाख जाप, 1 लाख जाप का मंत्र लिया है। कल मैंने पूरा जब से मैंने वीडियो बनाई थी तब से लेके गाड़ी में यहाँ आने तक, सुबह मैं यहाँ कुछ 5:30-6 बजे पहुँची हूँ, 5:30-6 बजे पहुँचने तक मैंने मसानी मेलडी का 50,000 जाप पूरा कर लिया है। बहुत कम लोगों को पता है कि मसानी मेलडी का दिन होता है मंगलवार या संडे, रविवार। काल भैरव का दिन भी संडे का दिन होता है, तो मैंने सोचा है कि कल मेरी मसानी मेलडी का दिन भी है तो जो 50,000 जाप बाकी है और उसके अदरवाइज जो मेरा गुरु मंत्र है, जो बाकी सब जाप है, वो मिला के तो देखा जाए तो 70,000-75,000 जाप आज सुबह तक 6 बजे तक पूरा हो ही गया है। बाकी के 50,000 जाप मैं आज पूरा करूँगी। और ये पूजा इस बार सच बोलूँ स्पेशली मैंने अपने खुद के लिए की है। मुझे आज YouTube से बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि माँ मुझे ये काम कराना है, वो कराना है। एक ने तो मेरा मजाक उड़ाया कि आप मुझे भी मारण मोहन का धंधा करना है, मारण मोहन का क्रिया सीखना है, धंधा करना है। ये धंधा नहीं है, पूजा पाठ धंधा नहीं है, हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मुझे गुस्सा इस बात का है कि एक बात, किसी ने मुझे पूजे के लिए पैसे भेजे और विदाउट इन्फॉर्म किए उन्होंने मेरे अकाउंट को फ्रीज़ करवाया और ये किया, ये गलत काम किया, क्योंकि उसकी वजह से मेरे और जो लोग थे उनको दिक्कत कई परेशानी का सामना करना पड़ा, मुझे तो हुई सो अलग। और सबसे बड़ी बात, ये किसी स्कैमर ने किया है, क्योंकि पूरा स्कैमर पता चल गया है, तो मुझे इस बात की सज़ा देनी है और सज़ा मेरी माँ काली ज़रूर देंगी। क्योंकि आपको नहीं पता है मसानी मेलडी के सामने सिर्फ आप छोटा सा घी का दीपक जला के माँ को दिल से याद कर लो ना, तो माँ तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारे कदमों में ला के तुमसे माफ़ी मंगाने का दम रखती है। यहाँ तो लोगों ने इतनी बड़ी गलती की है। सबसे पहली बात, हम आपके पास आते नहीं हैं, आप हमारे पास काम लेके आते हो। और अभी ये स्कैम सबके साथ हो रहा है, पहले इंसान पैसा डालेंगे और उसके बाद जाके कंप्लेंट मार देंगे कि हमारा पैसा फ्रॉड में चला गया, और जानबूझ के ऐसे इंसान पे डालेंगे कि वो इंसान वहाँ पे जा ही नहीं सकता। और वहाँ पे क्या होता है, बैंक वाले भी जल्दी मदद नहीं करते। आप समझो ये जिस इंसान ने किया उसका नाम मेरे पास है, और मैं ये पूजा इसलिए नहीं करूँ कि मुझे उसे पैसे नहीं देने। ये वीडियो वो भी देखती है, उसे ऐसा लगता होगा कि मैं इतना सारा प्रपंच कर दूँ मुझे पैसे नहीं देने। नहीं, मैं वादे के मुताबिक मैंने उसे मंडे का टाइम दिया है, मंडे को सुबह मैं 12 बजे तक तो उसके पूरे पैसे दूंगी। इसलिए नहीं कि उसने अकाउंट फ्रीज कराया, इसलिए भी नहीं, इसलिए दूंगी कि उसने उसको पूजे का काम नहीं हुआ, उसको पूजे का पैसा वापस ये पैसा लेंगे, क्योंकि उसने अपने व्हाट्सअप में पूरी बातें एक्सेप्ट की है कि वो काम उसने करवाया है। और मैंने उसे उसी बात पर डांटा है कि अगर आपको आपके पैसे चाहिए तो मुझे एक बार बोला होता, आपने मुझे बोला नहीं। वो इंसान मुझे
अगस्त तक मुझसे बात कर रहे हैं कि माँ क्या हुआ, काम हो रहा है, क्योंकि उस जब आप किसी लॉटरी में किसी में पैसे डालते हो उसमें वक्त लगता है। कोई भी लॉटरी का पैसा या कुछ भी चीज़ें तुरंत नहीं आती है, हमें टाइम लगता है उसको लाने में। लेकिन उस इंसान ने मेरे अकाउंट को हैक करने की कोशिश की। मेरे को, मैं जो हूँ सच बोलती हूँ, मेरे को उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुझे काम दो या ना दो। ये बात से मेरे और जो लोग थे उनको तकलीफ़ हो गई, उन लोगों ने मुझे झूठा समझा, कितनी बातें सुनाई मुझे। जो दो चार जनों थे उन्होंने तो मेरे को राजस्थान से बातें सुनाई, एक ने तो अलग ही काम कर दिया। मैं कसम बोल रही हूँ उन सबके नाम पर पूजा चालू है कि आप लोग पहले तो काम देते हो उसके बाद इन्फॉर्मेशन दिए बगैर ऐसी गलती का। तो पहली बात तो ये तो स्कैमर है, इन्होंने तो डायरेक्टली प्रॉपरली कुछ किया नहीं है। लेकिन ये जो आप काम करके लोगों को परेशान करने का काम करते हो, आपकी वजह से आज गणपति के दिन मेरे बहुत सारे भाई परेशान हुए। उस भाई का बदला लेने के लिए मैं ये काम करूँगी। और मैंने सोच के रखा है पैसा भेजते मान अगर सामने वाले ने वो अपनी गलती को नहीं सुधारा तो मैं फ़ोटो आईडी के साथ, उनकी फ़ोटो है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, जो हमें बैंक से नंबर मिला है, वो सारा नंबर, सारा एविडेंस। आप लोग जब मुझे काम देते हो तो पहले मैं आप लोगों को काम पूछती हूँ, याद होगा आपने मारण क्रिया दिया है, मोहन दिया, जो भी दिया है सारा काम पूछती हूँ, फिर आपका नाम, फ़ोटो, एड्रेस लेती हूँ, उसके बाद में आपसे पैसे लेती हूँ। तो ये बात आप समझ के चलिए कि इसमें आप फंस सकते हो, मैं नहीं फंसूँगी, क्योंकि आप सामने से आए हो। तो मैंने सोच के रखा है कि पैसा भेजते मान अगर ये चीज़ें नहीं हुई क्लियर तो तुरंत के तुरंत मैं पुलिस स्टेशन जाने से पहले, पुलिस स्टेशन में सब कहते हैं ना भाड़ खाऊ लोग हैं, उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं डायरेक्टली सोशल मीडिया में इतना पावर होता है ना कि जब नाम, फ़ोटो, एड्रेस चला गया ना तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं, आपके आसपास के लोग और आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन के लोग खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगे कि आपने पैसा भेजा और आपने ये सब काम किया। क्योंकि उस पूरे मैसेज में मैंने सारा स्क्रीनशॉट निकाला, क्योंकि अक्सर क्या करते हैं लोग अपना मैसेज डिलीट कर देते हैं। आपका हार्ड वर्क है, आप हार्ड वर्क नहीं देते हो, अपनी लालच से देते हो। आप अगर कितने लोग अपना मुसीबत से पैसा देते हैं, मैं मना नहीं करती हूँ, अपनी मुसीबत से पैसा देते हो, लेकिन आपको उस पैसे में दो पैसों का लालच होता है, इसके लिए वो आप पैसा देते हो। हम आप पे मांगते नहीं, देखो मैं सीधी बात है, मैं पूजा पाठ करने बैठी हूँ, मैं आपसे बोलूँगी लाख लगेगा, 1.5 लाख लगेगा, 2 लाख लगेगा, आपके पास कैपेसिटी नहीं, आप उसी जगह पर रुक जाओ, मना कर दो। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में आप किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, आपने खुद से दिया है। और आप खुद से देकर अगर जाके कंप्लेन करते हो तो एक बात याद रखिए कि आप कभी भी इसमें महान नहीं बन सकते। सामने वाले की पहुंच देखो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो आपका एविडेंस भी यूट्यूब पे डालूंगी और साथ में मैं तो पुलिस को भी 20-25 हज़ार खिलाऊंगी। मैं सामने से बोलती हूँ 20-25 हज़ार खिला के पीछे पड़वा दूंगी, क्योंकि आप रहोगे और उसके बाद जो होगा बहुत बड़ा होगा। आप एक बात याद रखो, आप लोग अपने लवर्स का नाम देते हैं, पूरे घर का नाम देते हैं, पूरी बातें बताते हैं, तो पता है पहले पुलिस क्या करेगी, जो एविडेंस मैं दूंगी ना यूट्यूब के ज़रिए, वो एविडेंस पुलिस पढ़ के सबसे पहले आपके घर वालों को बुलाएंगे, घर वालों को बुला के वो पूरी बातें क्लियर करेंगे। और दूसरी बात, इसके बाद मैं आप पर मानहानि का केस भी कर सकती हूँ, क्योंकि आपकी वजह से मुझे करीबन 10-15 दिनों में दिक्कत आई, मेरे कस्टमर्स को दिक्कत आई, उसमें आपको लेने के देने पड़ेंगे, आपको भी देने पड़ेंगे। जिस साइबर कैफ़े पुलिस वालों ने बगैर पूरी जानकारी किए अकाउंट फ्रीज किए और साथ में सामने वाले की बात नहीं सुनी, ऊपर से साइबर कैफ़े वाले धमकी देते हैं आप पर केस कर देंगे, आप पर FIR दर्ज हुआ, आप पर ये हो गया, ऐसा कहीं होता ही नहीं है। ऑनलाइन पैसा आपका आया है, आपको सामने वाले का, और आप लोग विटनम भी नहीं बताते कि कौन है, किसका पैसा है, क्योंकि आपको लूटपाट लगी रहती है। ये स्कैमर वाला धंधा तो मैं बंद करके रहूँगी, ये मैंने कसम खाई है, क्योंकि जिसका दिन भर गया रहता है ना वही विद्या देवी के नाद में लगता है। आप मुझे नहीं जानते, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मेरे बैंक अकाउंट बंद कर दो, जो कर दो, मेरा यूट्यूब बंद कर दो, फिर से मेरा मोबाइल नंबर बंद कर दो। और ख़ास करके मुझे लगता है ये गेमिंग जोन से ज़्यादा होता है, ठीक है। आजकल कैसा है ना, मेरा लास्ट टाइम भी जो मेरा फ़ोन नंबर बंद हुआ था ना, उसमें मुझे याद है कि मैंने किसी को OTP दिया था, वो OTP के बाद ही आधे घंटे बाद मेरा नंबर बंद हुआ, तो वो भी उत्तर प्रदेश का ही था। और ये लिंक कहीं ना कहीं से नॉर्मल जुड़ रहा है, और मैं स्कैमर को यही बोलूँगी कि अभी का भी आप लोग ये फ्रॉड का धंधा बंद करो, नहीं तो आप लोगों को बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि मैं सीधा गलती की सज़ा देने में बिलीव रखती हूँ, मैंने बहुत लोगों के पैसे जिनका काम नहीं उनको दे दिया है, मैंने सामने से कबूल किया है। जिन लोगों ने मुझे मेरा नाम ख़राब करने की कोशिश की यूट्यूब पे, मैंने उन्हें नहीं दिया है, जिन्होंने उल्टा बोला उन्हें नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि जब तुम नाम ख़राब करो तो तुम इधर आओ, आओ सामने आओ, मैं बात करके देखती हूँ, ऐसी बात है। आप अपनी मर्ज़ी से देते हो। और सबसे बड़ी बात, पुलिस वालों को सबसे पहले ये पूछना चाहिए सामने वाले को कि तुम ऐसे लालच में कैसे आए और तुमको पैसे किसने दिए, तुम्हारे पेरेंट्स ने अगर पैसे नहीं दिए तो तुमको पैसे किसने दिए। ये जो आजकल बच्चों का खेल है ना, ये बच्चों का खेल मुझे ख़त्म करना है और मैं करके रहूँगी। इसलिए 50,000 आप मसानी मेलड़ी को कम मत समझो,
मसानी मेलड़ी का इतना पावर होता है ना कि सामने वाले दुश्मन को पागल कर देता है, ब्लास्ट कर देता है। ये बात याद रखो, वो सबकी हवा टाइट कर देता है, क्योंकि मसानी मेलड़ी का ऐसा जाप है कि एक बार अगर मैंने वार छोड़ा तो वो वार ऐसा जाके लगेगा कि आप चारों खाने चित्त हो जाएंगे। क्योंकि एक बार अगर एक को सबक नहीं सिखाऊंगी ना, तो दोबारा हर कोई मेरे साथ इस तरह से चीट करने को देखेगा। मैं खुलेआम बता रही हूँ, आप लोग मुझे काम देते हो, आपकी पूरी डिटेल्स रहती है, आप मुझे बदनाम करने को देखोगे, मेरे साथ गलत करने को देखोगे, मैं आपकी सारी की सारी डिटेल्स यूट्यूब पर डाल दूँगी। सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट कि मैं आपकी पूरी डिटेल्स डाल दूँगी। ऐसी बात, आप मेरे पास आए थे, मैं आपके पास नहीं आई थी काम मांगने, और मुझे आज की तारीख में किसी का काम नहीं चाहिए। आज गणपति बप्पा का दिन है और आज मुझे किसी का काम नहीं चाहिए। आज मुझे सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए सज़ा चाहिए, मैंने इतनी पूजा की है। मैंने कल अपनी दशा माँ से, मेलड़ी माँ से, मेरी विंध्यवासी माँ से यही कहा है कि मैं अपने 24 घंटे में से 12, 13, 14 घंटा, कभी कभी 24 घंटा मैं आपको देती हूँ। दिन भर में मैं अगर एक टाइम खाना भूल जाऊँ, लेकिन आपको याद करती हूँ, ठीक है। अगर इतना होने पे भी अगर कोई मेरी इज्जत निकाल के चला जाए, कोई मेरे ईमान धर्म तक आ जाए, तो ये बहुत तो बहुत बड़ी बात है। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे शोहरत नहीं चाहिए, मुझे कोई बड़ा बंगला गाड़ी नहीं चाहिए, लेकिन इतना तो चाहिए कि कोई अगर मेरी इज्जत तक आने की कोशिश करे, माँ उसको उसी जगह पे मार डाल, उसका मारण क्रिया कर डाल। इतना चाहिए मुझे। अगर इतना भी नहीं मिलेगा शक्तियों से, तो फिर पूजा करने का मतलब क्या है। मैं ऐसी हूँ और मैं बांट के खाने वाली। आप लोगों को बेगर इन्फॉर्म किए, देखो सबसे बड़ी बात, आप, मैं यूट्यूब चलाती हूँ, मैं सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहती हूँ, मैं कोई फ्रॉड नहीं हूँ, ठीक है। मैं जो भी काम करती हूँ खुलेआम बोलती हूँ। आपका काम है, आपने मुझे पैसे दिए, आपका टाइम और पीरियड निकल गया, आप मुझे बोले। मैंने यूट्यूब पे भी कहा है, अगर आपने मुझे कोई पूजे के पैसे दिए हैं और आपको रिटर्न चाहिए, तो उसको 40 दिन का टाइम हमें देना पड़ेगा, हम आपका पैसा पूजे में लगाते हैं। और कितने लोग ऐसे भी करते हैं, ये बात से भी नहीं डरते कि क्या करेंगे। मैं अपना काम एकदम प्रॉपरली, एकदम आराम से करती हूँ। अभी कल क्या हुआ, अभी ये गलती की सज़ा मुझे देनी है, क्योंकि आज एक के साथ क्या, कल किसी के भी साथ करेंगे। और बहुत सारी बातें ऐसे मेरे पास है जो मैं यूट्यूब पे नहीं बोलूँगी, कि मैंने जितना ऑब्जर्व किया है 2-3 दिनों में, मैंने बहुत दिमाग लगाया कि कहाँ से कैसे क्या हुआ है। वो दिमाग लगाने पे पता चला है कि ये कोई गेम जोन की वजह से स्कैमर है। जैसे आज की तारीख में गेम जोन होता है ना, जैसे क्या होता है, जैसे आजकल के आज में बच्चे लोग पबजी में पैसे वैसे डालते, तो पबजी में पैसे वैसे डालने के बाद अकाउंट नंबर हाइड करते हैं। वो अकाउंट नंबर हाइड करके ये लोग कुछ तो करते हैं, वो चीज़ों को सामने वाले को स्कैम करते हैं कि उनके चीज़ों से मिले। क्योंकि जहाँ तक ये जो फ्रीज वाला मामला है, ये बहुत अलग है। अभी मैं खुल के बोल दूँगी तो कैसा स्कैमर अलर्ट हो जाएगा। अब मुझे स्कैमर लोग को पकड़वाना है, जितने लोग भी हैं अभी, मैं जितने भी स्कैमर हैं उनको भी पकड़वाऊँगी। अभी देखो मैं उज्जैन आई हूँ, सबसे बड़ी दुख की बात है, तो मैं उसमें दूसरे वीडियो में बताती हूँ। लेकिन ये वाला याद रखो, जो भी स्कैमर मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप एक बात याद रखो कि आप शेर हो तो बाहर वाले सवा शेर। आपका पैसा अगर हार्ड मनी से आता, तो हम लोग भी दिन भर हार्ड मेहनत करते हैं, यहाँ पे दिन भर मेहनत करने के बाद वो करते हैं। आप लोग एक मिनट में पैसा भेज देते हो, लेकिन पैसा भेजने के बाद की सारी ताकत, पूरे शरीर की पूरी एनर्जी, पूरा दिल दिमाग पूजे पे लगाना, एक ही मंत्र को 10-10, 20-20 हज़ार बार पढ़ना, नॉट जोक। आपको उसको पहले करके देखो, बाद में लोगों को भाषण देना। और जो गलती की है उसकी सज़ा तो भी दूंगा। इसका मतलब ये मत समझो, अभी भी मुझे लग रहा होगा, ये समझ रहे होगा, इसी वैसी बातें करी, देना नहीं, मैंने ऐसा कभी किया नहीं। मैं दूंगी पैसा, और उसके बाद मैं सिर्फ वेट करूंगी 24 घंटे का। अगर 24 घंटे में मेरा अकाउंट अनफ्रीज नहीं हुआ, उसके बाद जो होएगा उसकी जिम्मेदार आप लोग होंगे, मेरी गलती नहीं है। फिर पूरा डिटेल, क्योंकि आपने, जिसने भी यह हरकत की उसने पूरा कबूल किया है कि उसे ऐसा लग रहा था कि पैसा फ्रॉड हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो कि 10 दिन की मुलाकात में ऐसा नहीं होता है। तो जिसने भी ये किया, उसकी सारा फ़ोटो, एड्रेस, नंबर, सारा कुछ मैं को कर दूंगी। बाद में फिर जो होएगा देखेंगे, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। जय माता दी।